मुझे लगता है बम्बई सत्तर से नईजी दबा एक आर्टिस्ट है जो और भी आगे आ सकता है। मुझे लगता है ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। वेस्ट में जो हुआ झगड़े लड़ाई डिस हुआ बीफ हुआ बीफ हुआ ये हुआ वो हुआ मारपीट हुई, लोगों ने एक दूसरे के कत्ल किया, वेस्ट कोस्ट हुआ ईस्ट कोस्ट हुआ, फिर क्या 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 बहुत सारे ग्रुप हुई, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया, लड़ा एक दूसरे से, बहुत सारे मगजमारी हुई। मैं नहीं चाहता बम्बई में या इंडिया में वैसा कुछ हो, हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। प्यार इतना दो कि हेटेड की जगह ना बचे। नहीं सीधा बाबो Over the years, since the time we spoke last time and today, the rap scene also has evolved so much, yaar. कहाँ से कहाँ तक? Of course, independent scene, underground rap scene में इतना नए artists आए हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, all that is happening. तो मुझे आपका opinion जानना है. You of course are the OG. बताइए. मुझे ऐसा लग रहा है कि hip hop सही direction में जाना चाहिए, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसमें मैं भी वापस आना चाहिए थोड़ा रास्ता. थोड़ा हाँ, पब्लिक किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकती. मेरे को डर है, फिकर है कि इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरह ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको देसी हम्बल और कल्चर के बारे में सोच के काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. और काफी एक्साइटिंग चीज हो रही है कॉम्पिटिशन वाइज, राइम्स वाइज, टेक्निकलिटीज वाइज. आई थिंक बहुत अच्छा एनवायरमेंट बन रहा है, हिप हॉप का एनवायरमेंट बन रहा है, लेकिन उसमें कितनी सादगी के साथ अच्छी तरीके से इंडियन रख के कैसे चलना है, भाषा का क्या प्रयोग करना है, सब्जेक्ट मैटर क्या रखना है, ये सब बात पे अभी आने वाले एमसीज को ध्यान देना चाहिए. मुझे यही लग रहा है कि मेरा रहना और मेरा वापस आना बहुत जरूरी है सीन में. बिल्कुल, क्या बोलती पब्लिक, वापस आना. ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी अराउंड. वापस आ गए हैं, आपका नया आपने स्टफ किया है, लोग ऑलरेडी प्यार दे रहे हैं, और मुझे पता है और भी चीजें आ रही है, तो बता दीजिए. हाँ, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ नया एक्साइटिंग. कुक कर रहा हूँ मैं, शेफ बन गया हूँ देसी हिप हॉप का, पॉपुलर यू नो बम्बैया स्टाइल, नेजी दबा स्टाइल, पुराना नेजी नया नेजी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गहरी गहरी बातें, बहुत सारी दिलचस्प दास्ताएं जो अभी आने वाली है. अपने जज्बात को मैंने कैसे इकट्ठा करके जमा करके कलम के द्वारा शेरो शायरी में हिप हॉप पोइट्री में तब्दील किया, वो मैं बताने वाला हूँ लोगों को कि मैंने अपने प्रेशर पर, अपने स्ट्रगल पर कभी हार नहीं मानी और नीचे गिरा नहीं. मैं गिर उठ के खड़ा हुआ, लड़ा उससे और आगे बढ़ा. उस बारे में गाने आने वाले, फियरलेस नाम का एक गाना आने वाला है और बहुत सारी आफत वापस आने वाली है. आफत वापस आने वाली है, पर मुझे उसी बात से लगता है कि आप, जैसा आपने कहा कि आप फियरलेस रहे और कंटिन्यू रहेंगे. आपने अभी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि यू ऑल्सो बिन समवन जो ट्रूली आपने कभी हार नहीं मानी, लाइक यू आर राइटली सेइंग. और आपने खुद डिसाइड किया कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा अपने आप पे काम करता हूँ. तो मुझे उस पीरियड के बारे में बताइए, क्या डिसीजन था, क्या चल रहा था? मेरे लाइफ में ऐसे स्विचेस आए जो मुझे अपनाने पड़े, जो बहुत नेचुरल थे, जो गॉड का प्लान था उसके हिसाब से चलना पड़ा. ऐसा मुझे बचपन से आजादी नहीं मिली. जब आजादी मिली तो कुछ और स्ट्रगल्स आ, कुछ और इश्यूज आ गए. जब आजादी नहीं थी तो अलग स्ट्रगल्स थे. मतलब हर टाइम मेरे साथ अलग अलग शॉट हुआ, हर फेज में मेरे साथ अलग अलग शॉट हुआ, लेकिन इतना कंसिस्टेंट रहा कि मैं रुका नहीं कभी और हार नहीं मानी. कंप्लीटली बैक ऑफ नहीं किया, क्विट नहीं किया, मैं चलता गया. मुझे पता था कि इसके आगे रास्ता है, ये अंधेरे के बाद एक नया सवेरा है और नई सौगात है, नए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है. तो मुझे ये पता चला कि फोकस्ड रहना है, हमें लेजी नहीं होना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें फोकस्ड रहना है और लड़के आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हर अंधकार के बाद सवेरा, ये बात तो आजमाई हुई है. और मुझे लगता है ऊपर वाला हमारा टेस्ट लेता है. जब हम उसको पसंद आते हैं, कोई पसंदीदा बंदा रहता है ऊपर वाले का, तो वो उसका टेस्ट लेता है, आजमाइश लेता है. बहुत सारी आजमाइशें के द्वारा थ्रू जाना पड़ता है और हिम्मत अपनी जगानी पड़ती है और आगे बढ़ना, लड़ना पड़ता है, हक पर डटकर खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक कुछ हासिल नहीं है. आपका टेक आज बीफ रैपिंग पे क्या है, बीफ सीन को लेकर क्या है? मुझे लगता है ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए. वेस्ट में जो हुआ झगड़े लड़ाई डिस हुआ बीफ हुआ बीफ हुआ ये हुआ वो हुआ मारपीट हुई, लोगों ने एक दूसरे के कत्ल किया, वेस्ट कोस्ट हुआ ईस्ट कोस्ट हुआ, फिर क्या 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 बहुत सारे ग्रुप हुई, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया, लड़ा एक दूसरे से, बहुत सारे मगजमारी हुई. मैं नहीं चाहता बम्बई में या इंडिया में वैसा कुछ हो, हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें पीसफुली चलना चाहिए. हम इसको दूसरी इंडस्ट्री से एक सबक लेके हिप हॉप इंडस्ट्री को एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं, अच्छी इंडस्ट्री बना सकते हैं, जहाँ अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हो, एक दूसरे से भाईचारा रखे और कॉम्पिटेटिव लेवल पे ठसन है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन तक है कि मैं इससे अच्छा बेटर एमसी बनूं, बेटर राइम्स बिट करूं, बेटर टॉपिक्स पे बात करूं, मैं ज्यादा इज्जत पास करूं, मैं अलग एनवायरमेंट बनाऊं, मैं खास बनूं, मैं लोगों का खास बनूं. तो ये बात अगर सोच के हम अपने सीन को डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, बजाय उसको बीफ वीफ और ये गंदगी और ये फालतूगिरी जिसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं है, हेटरेट की कोई जगह नहीं है. प्यार इतना दो कि हेटरेट की जगह ना बचे. नहीं सीधा बाबो. सो कुछ फन क्वेश्चंस, अब हमने सीरियस बातें कर ली, कुछ फन क्वेश्चंस, रेडी? फटाफट आंसर जो दिमाग में पहला आता है. ओके, म्यूजिक वर्सेस लिरिक्स आपके लिए पहला कौन सा आता है और क्यों?
लिरिक्स आता है, क्योंकि लिरिक्स मेरे को समझ में आता है। मैं सिर्फ आग बंद करके या नशे में रह के म्यूजिक नहीं सुनते रहता हूँ, मैं लिरिक्स पे भी ध्यान देता हूँ, इसलिए मुझे लिरिक्स। रीमिक्स वर्सेस ओरिजिनल में नेजे दबा कर टेक किया? ओरिजिनल ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उसका तुम कितना भी रिमिक्स बना लो तुम उसको वो लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। मेन स्ट्रीम में आपको अभी क्या, कौन सा आर्टिस्ट आपको लगता है कि और भी आगे आ सकता है नॉन आर्टिस्ट में से, और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? मुझे लगता है बम्बई सत्ता से नेजे दबा एक आर्टिस्ट है जो और भी आगे आ सकता है और भी बेहतर कर सकता है, और भी वर्सटाइल हो सकता है। अच्छा, और ऐसे आपका फिलहाल के लिए फेवरेट म्यूजिशियन कोई भी जॉनर का, इंडियन म्यूजिशियन का अगर नाम लेना है तो वो कौन होगा? क्यों? ए आर रहमान सर। ए आर रहमान सर, थैंक यू सो मच।